मेरे मामा की समाचार राज मोरन की प्रजा की बातें कहेंगी मां मौसी जी। बहुत अच्छा है ना, खुशी की बात है, मैं खुशी मनाता हूँ उस बात पे मां मौसी जी। और जीजा जी किस प्रकार से हे मौसी जीजा जी आपको बहुत कुशल से है और वहाँ का प्रजा भी कुशल से है, आपका बहन पुत्र भी कुशल से है जो आपको सामने है। क्यों नहीं मौसी जी बेटा, सबसे सब तो मुलाकात हो गया। अच्छा अनानी कहा है? मैं पूछूंगी छोटकी मौसी से, छोटकी मौसी मेरे पीछे है। बेटा हाँ सब कोई तो मिल गया, मुझे माँ कहाँ है? हे मौसी, हे छोटकी मौसी, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रणाम किया तो मौसी जी आपको आशीर्वाद भी देने आया दिए बेटा। और दूसरी बात कि नानी जी मेरी कहा है, नानी जी को देखने के लिए मुझे नैन तरस रही है। हे एक बार मिला मेरे नानी से, मौसी है बहुत कटा। ये मौसी किसदार है? कटा है किस लिए? सारी दिन नहीं पता रहेगी। अच्छा शाम के टाइम 9 बजे भी तो मिलेगी। क्या शाम के टाइम भोजन की रहता है? और मौसी जी हाँ बोलो, आप कहाँ रहती हैं? मनियार खोजो। क्या मैं 14 भवन नह कर गया हूँ, नानी जी को महल से दूसरी मौसी लाने गई, मामी लाने गई, भोजन बनाने वाली तो आप है? क्या हो कमेटी साहब, बेटा अब सारी कहानी छोड़ दो। हे माँ इंतजार करते होंगे चचा जी तुम्हारे, कब वहां से वापस आएंगे? क्यों नहीं, क्या मैं राज मोरंग आया नानी से दर्शन यह मौसी नहीं कर पाई और साथ साथ भोजन भी नहीं कर पा सकी? बेटा हा? मैं तो कहती है इस मौसी में डलडा फेटा हुआ है, छोड़ दीजिए। छोड़ दे हाँ बोलेंगे, मैं अच्छी तरह से भोजन बना करके रखी हूँ महल के अंदर, चलो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी महल के अंदर, सुंदर भोजन अपने हाथ से।
लेकिन इतने दिनों की बात आई हो और कह रही हो कि मैं 7 दिन का वादा करके आई हूँ। हाँ मेरी बहन, 7 दिन के वादा बनाकर स्वामी को साथ में आई है। हाँ मैं जानती हूँ जीजा जी परम चंडाल है, यदि वादा पूरा नहीं हुआ तो हो सकता है फिर से घमासान करने के लिए देश मोरत में। यहाँ से विदा कर दो। ठीक है बहन, चलो रे टोली उठाओ का। उसी को प्रणाम, मामी को कर लो। चलो अब यहां से कहा मौसी धन है मामी, मैं यहां से वापस राज मोहब्बत जा रहा हूं। ठीक है बेटा, चलो अब यहां से चले। Oh,
हेलो हाँ विशुद्धा जी, विशुद्धा जी मेला कमेटी चाय नहीं ला रहा है, आप 25 कप चाय बनाकर भेज दीजिए। विशुद्धा जी नारायणपुर निवासी। यही संबल गर है, यही भगना संबल सिंह होंगी। आगे चल के देखते हैं गादी पे है कि सुहा। कौन भगना संबल सिंह रे, खोलो पलक देखो दुनिया की झलक। ये आवाज, ये आवाज मामा जी का है। मैं कुछ आगे चल करके देखता हूं, ये मामा है यार। शुभ कल्याण रहो भंजा। कारण क्या है भगिना? कारण नहीं है तो ये मामा कैसे सम्मरगर में पधारे हैं? फिर कारण क्या है मामा? भगिना बोले, दुनिया वालों सोचते हैं दुनिया के लिए, यह माहिर सिंह सोचते हैं आपको लिए। भगिना रे हम संदेश लाया है, संदेश लाया है तुम्हारे दोनों भाई के लिए, संदेश लाए हैं। हाँ हाँ हाँ, संदेश लाया है। उधरे रहो ना रे, रे उधरे रहो ना रे, धोध में संदेश है भगिना। कहा है तुम क्या सोच लिया संदेश के मतलब? क्या सोच लिया? क्या खाने वाला संदेश? तो संदेश का मतलब तो वही होता है जो कोई फल फूल लेकर के डुबाते हैं। अरे वो संदेश नहीं, वो संदेश नहीं भगिना। सुनो, सबसे पहले यह बतलाओ, रानी फूला की टीका किसका था चढ़ा था?
बता मामा भगना पुरानी बात को याद दिलवाते हैं। वो टीका चरने वाला था ये जालिम लुटेरा समल सिंह के ऊपर, वो टीका को मोहब्बा निवासी वो टीका को थाम लिया। फिर कहना क्या चाहते हैं भगना, वही मौका है उदला अपने कहते वीर कहलाते हैं। ये वीर को घुमाने वाला यही माहिल सिंह है। जब तुम्हारे ऊपर टीका चढ़ा तुम्हारा शादी नहीं होने दिया, वही आज यही मौका है फूला की डोली देश मोहब्बत से और मोरंग से 8 दिन में लौट के आएंगे। जब 8 दिन में लौट के आएंगे ढाढ़रे लगाओ चाओ सुन लीजिए हो देवता में चुंगला चुरमा था देवी में चुंगली मलिया हो छात्र में चुंगला ये मामा माहिल है तोरे बात पर ना है भी सबाल हो तोरे पतिया पर ना भी सबाल भगना
पंडित में चुंगला चूरमा था, देवी में चुंगला मनिया वाली, छात्री में चुंगला माहिर सिंह। जब तक आप कसम नहीं खाएंगे, जब तक समर सिंह आपके बात को विश्वास नहीं करेंगे। क्या कसम खाना होगा? अरे कसम क्या होता है मामा को? भगना बोलेंगे मामा। गंगा क्रिया केसर क्रिया जो जो ठाकुर के साथ तो आपके बात पर विश्वास हो चुका है। भगना मेरे को टाइम नहीं है, अठमा रोज आज बीत गए, तुम जाओ, सब रास्ता खुला छोड़ देना, मोहबा के रास्ता जाम कर देना, खुद वाले रास्ता से फूला सती मोरंग वाली आएंगे। रे साथी तू आई करी है हमारा
को कहा था कि चले चाव चौराहे पर सारा रास्ता खुला रहेगा, एक रास्ता मोहब्बत का जाम कर देना, रेडी उठी बचा देना अब चौधटिया भैया, मैं चल क्यों नहीं मां, मैं आगे आगे चल रहा हूं, मेरे पीछे आपका ढोली है, माता जी बार बार कहते चलता हूं कि शेर के बेटा माता से रो जाए।